नववर्ष 2020 की शुरुआत पर ही तिवारी परिवार ने मंदिरों का रुख किया। जी हां, रामकुमार पाल पिछले 15 सालों से तिवारी परिवार के साथ गुजरात स्थित कष्ट भंजन हनुमान मंदिर दर्शन करने पहुंचते हैं। ठीक इस साल में उसी तरह से 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक गुजरात स्थित कष्ट भंजन हनुमान मंदिर दर्शन करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने 70 परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जुड़ा हूं और जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिस तरह से तैयारियां होती है, उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। जोरदार ताली बजा से पहले इसके लिए एक बार स्वागत कीजिए। फिर बजरंगबली की जय। मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह से एक बहुत बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि पैसा कमलम कमले न पया, पैसा कमले न विभाति सरा, ससिना च निशा निशया च ससी, ससिना निशया च विभाति नमः। जिस तरह से कमल से पानी की शोभा होती है और उस पानी से कमल की शोभा होती है, दोनों के बिना उनकी शोभा नहीं हो सकती है, और कमल और पानी से पूरा तालाब सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। चंद्रमा के बिना, रात के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं है। अगर रात्रि नहीं हुई तो चंद्रमा का कोई वो नहीं है। तो रात्रि की शोभा चंद्रमा से और चंद्रमा की शोभा रात से होती है, लेकिन रात और चंद्रमा दोनों जब आ जाते हैं तो पूरा नव की शोभा बढ़ जाती है, नव पूरा सुशोभित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर बद्री विशाल तिवारी परिवार है, राम भाव पाल है, इन दोनों की शोभा हमारे आप से बढ़ती है और हमारे आपकी शोभा इनसे बढ़ती है, तथा दोनों को मिला के हमारे आप से बद्री विशाल तिवारी राम भाव पाल साबू भाई की मिलकर जो शोभा बढ़ती हो, पूरा तिवारी परिवार की शोभा बढ़ती है, पूरे इस मंडली की शोभा बढ़ती है। बोलो सच्चिदानंद। अनेक वर्षों से आप इस तिवारी परिवार में जुड़े हैं और वैष्णो देवी यात्रा तक भंजन यात्रा, तो कुछ अपना अनुभव शेयर करें। विगत वर्षों से यात्रा चली आ रही है कष्ट भंजन देव जी का, काफ़ी वर्षों से वैष्णो देवी की यात्रा जो बद्री विशाल तिवारी है वो राम भाई के सानिध्य में चलते आ रहा है। इसी प्रकार यह यात्रा चालू की गई कष्ट भंजन देव जी का बोरीवली से लेकर बोटाद हर साल 30 दिसंबर को ये यात्रा प्रारंभ होती है। बुरीवली से 31 दिसंबर को हम लोग साल के आखिरी में यहाँ पहुँचते हैं, हनुमान जी कष्ट भंजन जी का दर्शन करते हैं, कष्ट भंजन देव हनुमान जी का, और नए साल में फिर हम लोग हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं ताकि नया विगत वर्ष आने वाला वर्ष सभी लोगों के लिए मंगलमय नए वर्ष 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूटी मिरर वॉइस ऑफ विवेक की तरफ से, मिस्टर संतोष पांडे राम कुमार पाल की तरफ से बहुत 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 प्रदेशवासियों को शुभेच्छा। भाई हम तो पहली बार तिवारी परिवार की कृपा से, सारे भाइयों की कृपा से पहली बार कष्ट भंजन हनुमान जी के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ, और बहुत सुंदर यात्रा रही उस परिवार के साथ। करीब 150 लोगों का जत्था यहाँ उपस्थित हुआ है भगवान कष्ट भंजन के दरबार में मत्था टेकने के लिए 2019 के अंतिम दिन के अवसर पर। और राम भाई, कृष्णा जी, बद्री विशाल जी, साधु जी, ऐसे बहुत सारे इस ट्रिप के ऑर्गेनाइजर हैं जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आप लोगों का ग्रुप है तो बहुत ही आनंद आता है, आनंद रूप में आता हूँ। हर हर महादेव जी, आप कुछ कहेंगे? हम जितना कुछ भी कहें सब कम है तिवारी परिवार के लिए। और यह गत 15 वर्षों से तो कष्ट भंजन हनुमान जी की यात्रा और 25 वर्षों से माँ वैष्णो देवी की यात्रा, यह तिवारी परिवार के माध्यम से हमारा और स तिवारी परिवार का होता रहा है। इसलिए नए साल के उपलक्ष्य में लोग जहाँ गोवा, कुल्लू मनाली और अमेरिका, इंग्लैंड मनाने के लिए जाते हैं, और ये हमारे संस्कृति का संस्कार ही है जो तिवारी परिवार सबको यहाँ पर मंदिर मंदिर लेके आ रहा है। यह बहुत बड़ी विशेषता हमारे संस्कृति की है और हमारे धर्म की है कि और यंग जनरेशन भी, खाली बुजुर्ग ही नहीं, उम्र वाले ही नहीं, यंग जनरेशन भी, बहू हो या बेटे हो, सब यहाँ पर नए साल को मनाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं तिवारी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद मानता कहूँगा।
आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।